नमस्कार प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लासेस में हमने एनुटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑर्डिनरी या फिर इमीडिएट एनुटी स्टार्ट किया था। इसमें क्या था, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप LIC में या फिर आप RD में एक इक्वल टाइम इंटरवल पे एक फिक्स प्रिंसिपल आप हर बार जाके जमा करते हो, तो एक टाइम के बाद वो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट कितना अमाउंट हो जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ऑर्डिनरी एन्यूटी, जिसमें कि हर टाइम पीरियड के हर इक्वल इंटरवल के एंड में जाके आप डिपॉजिट करते हो। तो लास्ट क्लासेस हमने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन देखो आप, फॉर्मूला वगैरह सब हमने लास्ट क्लासेस में बच्चे डिस्कस किया था, देख रहे हैं आप। तो उसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक दो क्वेश्चन रह गए थे, आज कंप्लीट कर देंगे ऑर्डिनरी एन्यूटी को, फिर इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। पहले आप ऑर्डिनरी एन्यूटी को कंप्लीट कीजिए। मिस्टर एक्स डिपॉजिट इन हिज सन्स अकाउंट्स रेट 500 रुपीज, मतलब हर बार जो डिपॉजिट करता है वो 500 रुपीज डिपॉजिट करता है, टाइम्स हिज सन्स एज 500, टाइम्स हिज सन एज एट द एंड ऑफ द ईच बर्थडे, उसके बर्थडे के एंड पे करता है। फाइंड द बैलेंस accumulated एट द 10th बर्थडे, तो 10वें बर्थडे पे हर बर्थडे के क्या करता है वो, एंड ऑफ द ईच बर्थडे, उसके बर्थडे के एंड में वो हर बार डिपॉजिट करता है। क्लियर है बच्चे? तो जैसे कोई उसका बर्थडे है तब जमा करा, तो फाइंड द बैलेंस, और वो जब 10 साल का हो जाएगा, तो जब 10 साल का 10th बर्थडे, तो 10th बर्थडे का मतलब ये हो गया आपके पास में टी इक्वल्स टू 10 है, इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आई इक्वल्स टू 0.10 है, पर एनुअल कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द बैलेंस अकुमुलेटेड, ठीक है। तो एस क्या कैसे करते हैं इसको, एस देखो लास्ट क्लास में बताया था आपको मैंने, एस इक्वल्स टू आर एस दिस वन, और इसमें आपके पास में 10 और आई क्या है 0.10, यही बताया था आपको, ऐसे लिखते हैं इसको। एस मतलब सम ऑफ अमाउंट कितना हो जाएगा, आर कितना जमा करते हो, तो वो जो सम ऑफ अमाउंट आपका जो है उस पर क्या आपका टाइम है और क्या इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपके पास में एस इक्वल्स टू आर, इसका फॉर्मूला बनेगा एंड ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई दिस वन, कंप्लीट फार्मूला ये, एस इक्वल्स टू आपके पास में 500 रुपीज़ है बच्चे, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर एन, एन क्या है हमारे पास में 10 माइनस 1 अपॉन 0.10, एनुअली है, सॉल्व करेंगे एस इक्वल्स टू 500 रुपीज एंड ब्रैकेट 1.1 इंटू इक्वल्स टू जब तक माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.10, तो क्या है हमारे पास में एस इक्वल्स टू 500 इंटू 15.9374, इक्वल्स टू 7,968.71। क्लियर है बच्चे? नंबर बच्चे में लॉग इन कर लिया है आज। हाँ जी बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, देखो बच्चे भी सब यूनिट वाइज ही चल रहा है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, आप अपने लाइव में मत देखो, अपने कंटेंट में जाके आप देखिए एक बार, कंटेंट में यूनिट वाइज फोल्डर बनाया हुआ है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसके साथ साथ आपका कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, सब पूरा आपका यूनिट वाइज है,
वो टॉपिक वाइज उसमें पीडीएफ्स हैं, टॉपिक वाइज लेक्चर हैं, उस लेक्चर के साथ में पीडीएफ अटैच है, बिल्कुल सिस्टमेटिकल ऑर्डर में है। बट लाइव क्लासेस में ये एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप कंटेंट बाद में देखते हैं तो लाइव में जाकर देखते हैं तो वो सारा मैसअप होता है। आप जब बाद में, जब मेरे लाइव होने के बाद आप अगर आपको क्लास देखनी है तो आप कंटेंट में जाके क्लासेस देखा करो। देखो, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्यूमलेटेड 50,000 रुपीज बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास में कुल मिलाकर के कितना हो जाए, मेरे पास में कुल मिलाकर के 50,000 रुपये हो जाए। बाय मेकिंग इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, आर मुझे नहीं मालूम, यही मुझे फाइंड करना है वो इक्वल पेमेंट क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और ईच क्वार्टरली पे कर रहा हूँ। टी इक्वल्स टू क्या है, 5। यहाँ पे एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्वार्टरली मंथली में निकालना पड़ता है, 12 डिवाइडेड बाय क्वार्टरली मीन्स 3, तो एम इक्वल्स टू 4, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम टी मीन्स एम आपके पास में 4 है और टी आपके पास में 5 है, तो आपके पास में 20 हो गया। आई इक्वल्स टू आपके पास में क्या होगा, आपके पास में रेट अपॉन एम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके पास में बचे, 6%, तो 0.06 डिवाइडेड बाय एम, एम क्या आपके पास में 4, तो सॉल्व करेंगे आप इसको, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 4, तो 0.015। और आपका फॉर्मूला क्या कहता है यहाँ पर, एस इक्वल्स टू आर एस आपके पास में एन और आई, तो यहाँ पर एस इक्वल्स टू आपके पास में एस, सम ऑफ अमाउंट कितना क्रिएट करना है आपको, 50,000, और रेट और इंस्टॉलमेंट क्या आपको नहीं पता, और एन क्या आपके पास में 5 साल का 20, और आई क्या आपके पास में 0.015। ठीक है बच्चे, सॉल्व करेंगे आप, आपका बेसिकली पूरा फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले पे डिपेंड है ये, एस इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन इक्वल्स टू टी, सॉरी अपॉन आई, क्या ये हमारे पास में 50,000 है। आर क्या है हमारे पास में, ये फाइंड आउट करना है, 1 प्लस 0.015, ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसमें, एन, एन क्या है हमारे पास में बच्चे, 20 एंड माइनस 1 अपॉन 0.015 एंड 50,000 इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1.015 इनटू इक्वल्स टू 20 है, तो बच्चे आप इसको इक्वल्स टू प्रेस, मल्टीप्लाई के बाद इक्वल्स टू प्रेस करते रहे तक इसके ऊपर पावर 1 प्लस यानी यहाँ पर नहीं आ जाता। कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं चाहिए, पेपर में अगर आप हर बात में लॉग लोग लेकर करने लग बैठ गए तो हो गया फिर आपका पेपर। एन माइनस 1 0.015 सॉल्व करेंगे, 50,000 इक्वल्स टू आर माइनस 1 1.3468 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.015, तो आपका है 23.12। सॉल्व करेंगे, आर इक्वल्स टू 50,000 अपॉन 23.12 एंड आर इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय 23.12। सबसे बड़ा टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और आपका हर एक एक दो दो क्वेश्चन के बीच में आपको इरिटेट कर देगा पूरा पेपर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। क्यों?
हर जगह बीच बीच में आपको मिलेगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे कि वो आपके साथ छूटते चले जाते हैं बच्चों के, बच्चा फिर पूरा पेपर में ही पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इस चैप्टर को बोलो टूट के नहीं, कूट दो इस चैप्टर को। अब बार बार रिवाइज करने से ही होगा, बार बार निकल जाएगा दिमाग से प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ऑर्डिनिटी क्या है, कंपाउंड क्या है, मंथली क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या है, ई रेस टू पावर क्या सॉल्व करते हैं, ये पावर कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें दिमाग से 10 बार पढ़ोगे तो 100 बार आउट होगा, बट आपको बार बार रिविजन से ही आप इसको पकड़ सकते हो, नहीं तो पूरा पेपर आपका स्पॉइल हो जाएगा, ध्यान रखना आप। क्लियर है बच्चे?